तो अगर गवर्नमेंट ने किस वजह से रू बैन किया है, किस वजह से नहीं किया है, तो उसका तो मैं यही बोलूंगा कि सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। आगे का डायलॉग आपको मालूम। मैक्सटन, आपको क्या लगता है कि ई स्पोर्ट्स में कोई और गेम आ सकती है जितना पबजी ने इम्पैक्ट क्रिएट किया था उस लेवल का? फिलहाल तो एक ही गेम दिख रही है, मतलब इतने बड़े स्केल पे फ्री फायर। उसकी जो ऑडियंस बेस है लाइक एग्जैक्टली पबजी के आस पास ही है, या फिर मैं कहूँगा पबजी के बराबर ही है। तो कहीं ना कहीं हद तक ई स्पोर्ट्स में पबजी को टक्कर देने के लिए गेम्स है, लेकिन मुद्दा ये होता है कि आप पबजी प्लेयर्स उस गेम की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि जो फ्री फायर है उसका जो आप देखोगे ग्राफिक्स पूरा ही अलग है। उसमें जायरोस्कोप नहीं है, और पबजी में जनरली जो टॉप प्लेयर्स हैं वो जायरोस्कोप के मतलब वो बिना खेल नहीं सकते जनरली। तो कहीं ना कहीं तक बहुत बड़ा चेंज है, ये डिपेंड करता है प्लेयर जाएंगे कि नहीं जाएंगे उस गेम पे। और डेफिनेटली स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है इससे, अगर मैसिव ऑडियंस की बात की जाए उस बेसिस पे। सो मूविंग ऑन टू राहुल, राहुल आपकी जो कंपनी है डील्स इन ऑल द स्पोर्ट, ऑल द ई स्पोर्ट्स, पबजी हुआ या पीसी हुआ, सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? वेल पर्सनली टू मी, जो फाउंडेशन पबजी ने बिल किया था वो फाउंडेशन रेप्लिकेट नहीं होगा फिर से, एटलीस्ट अगले 5-10 साल में, 15 साल में चांस ही नहीं है, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो मैसिवली फेल होगा, बिकॉज PUBG became PUBG because of the community that was behind it, because of the people that were behind it, because of the leaders that came together and, you know, made something of themselves within the community. Yes, Free Fire is getting there, they're doing it in a very small scale, they're doing it in a very clustered environment right now. Wo hopefully abhi, you know, because PUBG being banned, there's going to be a lot of spill. Say PUBG had 100 million users or 10 crore users, say to speak. Now that PUBG is gone, I'm not expecting that 10 crore users to go straight to Free Fire or to COD Mobile. We personally think that everybody is going to go where they feel is going to be most beneficial to them, where they can create more content, where they can create a career. So right now it's, you know, the chips, let the chips. देखो, competitive कोई भी game तभी चलेगा जब वो जनता को access होगा उस चीज का। अगर जनता access करी, अगर आप कोई game खेल रहे हो और जनता उसको देखने आ रही है बट वो उससे सीख रही है कुछ पर उसको खेल नहीं पा रही है, तो आपका और वो गेम का कोई वजूद नहीं रहा। अगर आप कोई गेम्स खेल रहे हो एंड जनता देखने आ रही है और वो जनता जाके खुद ट्राई कर सकती है जो आपने ट्राई किया गेम के अंदर, तो वो चीज़ में स्कोप बढ़ जाता है, वो गेम में अंदर स्कोप बढ़ जाता है। तो आई थिंक फ्री फायर, COD, ऑल दिस गेम्स आर द वन जो कम्पिटिटिव में आ सकती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉल गाइज, देन उसके लिए भी फिलहाल BCCI आई हैड सम न्यूज़ के वो मोबाइल पे भी आने वाला है। आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना बी ऑन मोबाइल, बट अगर वो मोबाइल पे आ जाता है डेफिनेटली इट्स गोना बी अ कम्पिटिटर फॉर द कम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स इंडिया में जो है। सो या अगर जिनका यूट्यूब नहीं है, तो या तो अगर आपके पास इतना सॉलिड कंटेंट हो कि वो ऑडियंस को पकड़ के ले आए, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर यूट्यूब, और एल्स यू शुड जस्ट ट्राई सम अदर गेम फॉर कम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स। जैसे ऑडियंस देख रही है, can they expect a Free Fire and a COD as well as in other games tournament coming from your end? I have since yesterday raised about $200,000 for not just Call of Duty, Free Fire and other mobile tournaments, but also for, even with low numbers, also for Dota, Rainbow Six Siege, Counter-Strike, as well as Valorant. So from the middle of September till the end of December, jo hamara, you know, anuman hai, is when this whole, you know, funeral sort of mood will occur, but we didn't want that to happen, and humne decide kiya, you know, we want to fill this ecosystem with some sort of positivity. So, you know, try throwing opportunities at people so that, you know, they catch on to the scene, and there is still a scene, you know, we've still got a thing going on. So isi ke sath moving on to Aurum. Yeah, Abhishek, I think Farazad bhai, we can expect some tournaments on Chota Bheem and Ludo, as our government said ki homegrown culture ko bahar leke aao. Yeah, so we're definitely having Ludo right now, and matlab that's an important Indian game. And so yeah, we'll diversify. So uske liye we have Fauji coming up next. Usse pehle we will talk to Aurum on this topic, then we will talk about Fauji. So
और विच गेम आर यू लुकिंग टू शिफ्ट टू, एंड डू यू थिंक उतना इम्पैक्ट होगा जितना पबजी का रहा है? अभी फोर्सेबल फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जितना जितना फोर्स और जितना नंबर्स पबजी को मिले थे वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी गेम को मिलना, और वो भी इतने कम टाइम में। तो कितने साल कितने महीने वो मैं नहीं बता सकता हूँ अभी कि कितना टाइम लगने वाला है, बट टाइम तो लगेगा ये तो कन्फर्म्ड है, क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी आज से पहले कभी किसी गेम को मिली नहीं थी। तो नेगेटिव साउंड नहीं कर रहा हूँ, बट जो सच है वो तो अनबैन तो होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम राइट, पीपल शुड लाइक यू नो द हेट दैट्स बीइंग थ्रोन एट द गवर्नमेंट, बिकॉज सी अगेन लाइक यू नो आई कम फ्रॉम मुंबई, सो मुंबई में देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज फील्डिंग लगाना किसी की, तो इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो कि अच्छी फील्डिंग लगाई थी एंड अमिडस्ट द करंट पॉलिटिकल टेंशन राइट, सो इन इन द कंट्री ऑफ इन अनसर्टेनिटी, बिकॉज वी नेवर नो लाइक यू नो टुमारो दे माइट जस्ट बैन लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल, सो So, moving on to Maxton, आपके क्या views हैं? इस पे अनबैन होगा या नहीं होगा? तो मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े थे जिसमें लिखा हुआ था कि लास्ट ईयर अक्टूबर तक 52%+ के आसपास शेयर्स थे टेंसेंट के, जो अब 10% हो गए जैसा कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। तो अगर 52 से 10% आ सकता है तो 10 से 0 भी जा सकता है ना? और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी 10% शेयर्स के लिए उनके इतना बड़ा मार्केट खतरे में चला जाए। तो डेफिनेटली होप तो है कि अनबैन हो जाएगा, क्योंकि 10% उतना बड़ा होना नहीं चाहिए पबजी के लिए। देखते हैं, अगर 10% शेयर हट जाता है टेंशन से तो डेफिनेटली। लेकिन अब मुद्दा यह है कि वो 10% शेयर कौन लेगा, तो वो एक बड़ा सवाल है। अगर वो मिल जाते हैं तो डेफिनेटली पबजी ट्राई करेगा कि हम उनके साथ कोलाब करें। तो राशद ये भाई, 10% शेयर आपको लेने हैं। तो बात जैसे मतलब जैसे मैंने कल एक वीडियो भी किया था इस पे, सो बात मेरे हिसाब से ये 10% शेयर्स की नहीं है, बिकॉज सीओडी में भी अभी तक टेंसेंट का शेयर है। बात यहाँ पे है पब्लिशर की, पब्लिशर कौन बनेगा, बिकॉज सीओडी का जो डेवलपिंग जो यूनिट है वो टिमी की है जो टेंसेंट की सब्सिडरी है, लेकिन उनका जो पब्लिशर है वो एक्टिविजन है, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं सेफ है। जो बात यहाँ पे बैन हुई है वो है अपना डेटा प्राइवेसी, तो डेटा प्राइवेसी मेरे हिसाब से आई एम नॉट दैट अवेयर अबाउट कि कैसे वर्क करता है, बट ये है कि जो मतलब उस जो पब्लिश कर रहा है उसके पास पूरा डेटा जा रहा है, तो अगर पबजी पब्लिशर चेंज करेगी तो अनबैन हो सकता है, दैट व्हाट आई एम थिंकिंग। दिस एज यू राइटफुली सेड हिमांशु जी, देयर नीड्स टू बी अ पब्लिशर दैट इज रेडी, कोई कोई रेडी होना चाहिए टू टेक ऑन दिस मैंटल, बिकॉज दे हैव सम वेरी वेरी बिग शूज टू फिल। मजाक नहीं है जो टेंसन ने किया इंडिया में, जो टेंसन ने किया 24% ऑफ ऑल ऑफ पबजी मोबाइल्स ऑडियंस एंड यू नो प्लेयर बेस कम्स फ्रॉम इंडिया, एंड टू बी एबल टू रिक्रिएट दैट अगेन इन दिस रीजन, बहुत पहली बात तो मुझे ये नहीं मालूम था इसका पब्लिशर कौन है, या मैं इसमें चीज़ों में ध्यान भी नहीं देता था। दूसरी बात, अपना टाइम पूरा टूर्नामेंट खेलने में जाता था, ठीक है? तो अगर गवर्नमेंट ने किस वजह से रू बैन किया है, किस वजह से नहीं किया है, तो उसका तो मैं यही बोलूँगा कि सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। आगे का डायलॉग आपको मालूम है, ठीक है? तो बीइंग ए प्लेयर, मैं प्लेयर के परस्पेक्टिव से बोलूँगा कि हमारे तो ये था, सुबह उठते थे, शाम तक प्रैक्टिस चालू, रात तक प्रैक्टिस चालू, खाया सोए, सुबह उठ के वापस सेम रूटीन। अब वो चीज़ बंद हो गई है, एंड आई कांट इवन इमेजिन 1 ईयर बिफोर, मतलब मैं कंपिटिटिव में एंटर किया था उससे पहले पहले तक का, द लाइफ आई वॉज लिविंग विदाउट पबजी एंड विद पबजी। अब ऐसा है कि पबजी की वजह से चलो फेम आ गया, थोड़ा बहुत हम ग्रो कर गए, लोग जानते हैं, हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं कि हम उनसे इनकम अर्न कर सकते हैं, बट बींग ए प्लेयर, अगर मैं अभी अभी एंटर कर रहा होता, आई हैड नथिंग, नो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, नो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, नथिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट कम्स एंड लाइक ये गेम नहीं चलने वाला है इंडिया में, वी आर बैनिंग इट नाउ फॉर सम आई डोंट नो व्हाट रीजंस, बट कर दिया। अब अनबैन का पता नहीं है कि अनबैन होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाट द प्रोसेस इज, क्योंकि मेरा लाइफ ये रहा है कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, मोबाइल के सामने बैठा हूँ, आई डोंट नो हाउ दिस गवर्नमेंट रन्स द सिस्टम या इंडिया में कैसे काम होता है, तो आई हैव नो आइडिया कि अनबैन कब होगा। होने के चांसेस लग रहे थे जब तक फौजी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, यू यू गाइस आर गोना टॉक ऑन इट नेक्स्ट पॉइंट, सो आई हैव नो आइडिया, बट तब तक चांसेस थे, बट आज की अनाउंसमेंट सुनने के बाद बहुत कम हो गए चांसेस, एंड आई फील लाइक इट्स ए वेरी पॉलिटिकल डिबेट जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बट ऑल आई नो इज़ के अगर अनबैन नहीं हो रहा है
तो अभी से ही मेरे ख्याल से सारे प्लेयर्स को ये है कि माइंड में बना लो, एक माइंड सेट कर लो कि या तो यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है, क्योंकि पबजी के अलावा भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। एंड आई एग्री विथ अभिषेक सर के रेवोल्यूशन को अपना पार्ट बनाओ, क्योंकि ऑलवेज चेंजेस आते रहे हैं इकोसिस्टम में, लोग सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, जो कर जाते हैं चेंज अपने आप को सर्वाइव कर लेते, जो नहीं करते वो रह जाते हैं पीछे। सो या इट्स अ रेवोल्यूशन का पार्ट बनने की कोशिश करो, सीओडी, फ्री फायर, ऑल दोस थिंग्स देयर आउट देयर। It has suddenly opened doors for a lot of international organizations to actually like recruit players from India, and like you know we could literally outsource a lot of our good talents. I mean Rahul has been doing it for his Overwatch teams, his Fortnite teams, and I feel that you know that's an very good alternative. So Indian players, like you know, even if they don't migrate, the ones who are at the top are the well-established teams. I think they could at least go forward to a lot of international teams. I mean, we have seen this pattern in Dota 2, CS:GO, wherein like you know, teams like players from regions which had zero to none scenes have actually migrated to NA and European circuits and have done quite well. I mean, Sumail is a prodigy. There's Abed, and there's Pasha from Poland. So there's a lot of, I would say, good hope still for the competitive community. And then when it comes to like watching the competitive PUBG scenes, there's still content creators around the world. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे हसर बोल रहा था कि अनबैन, ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स दिस गेम्स टू बी अनबैन, तो एक्सपेक्टेशंस वही थी जो मेरी 50% एक्सपेक्टेशन थी, आज अनाउंसमेंट के बाद पॉइंट्स में हो गई है, 0.1% हो गई है। सो अपेरेंटली मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, उम्मीद पे ही दुनिया का है मैं। आई वांट देयर इज स्टिल यू नो पॉइंट वन, टिकटॉक जितना इंपॉर्टेंट था उससे कई कम टेंशन के लिए यू नो PUBG है, we all know, and you know while I mean the numbers are abysmal there, like you know worldwide 227 people you know million people have registered for PUBG, like 200 and like that kind of number was for TikTok users in India alone. Mm-hmm. You know, and that's a number that was very important to that company, and in the it was in the first list of you know apps that was banned. अगर किसी को वापस आना जरूरी था तो उनको भी था, एंड यू नो वी हैव सीन इट दैट इन ऑल ऑफ द लिस्ट ऑफ द एप्स दैट हैव बीन बैन्ड, नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम हैव मेड अ कमबैक एंड कमबैक। आई मीन लेट्स फेस इट, वी कैन कीप सेइंग व्हाट वी वांट टू से, बट दिस इज जियोपॉलिटिकल नाउ, इट्स नॉट रिमेन्ड टू वेदर इट्स एन एंटिटी और एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज देयर आर बिगर फोर्सेस एट प्ले हियर। That being said, I'll still be the happiest person if PUBG unbans and comes back, so that we can all go back to what we were doing. One thing just came to my mind was, I just wanted to discuss this point, कि जैसे competitive का India में grow हो रहा था, like already एक बच्चे के लिए अपने mom dad को convince करना इतना hard होता है कि उसको gaming के अंदर pursue करना है। I came from that background only, कि जहाँ पर मुझे एक कुछ समय की मोहलत लेनी पड़ी थी मेरे मॉम डैड को कन्विंस करने के लिए कि मुझे इसमें आगे परस्यू करना है, आप मुझे डिवाइस दिला दीजिए। तो जो उन्होंने अपना हार्ड अर्न कैश था वो मुझे एक डिवाइस खरीद के दिलाने में लगा दिया था, एंड भगवान की दया से वहाँ पे सक्सेस भी मिल गई थी। बट थिंक जो हम लोगों को देख के सीख रहे हैं, जो बच्चे हम लोगों को देख रहे थे कि ये यहाँ पे पहुँच गया ये सब चीज़ें कर करके, एंड ऑल ऑफ ए सडन वो अपने डैड को कन्विंस कर देता है, मॉम को कन्विंस कर देता है कि गेमिंग में एक फ्यूचर है, उसके मॉम डैड मानने के एक कगार पे आ जाते हैं, एंड ऑल ऑफ ए सडन दैट गवर्नमेंट्स कम एंड सेज कि ये गेम बैन हो जाता है। सो यू हैव नो आइडिया कि एक जो बच्चे के ऊपर जिसने अपने मॉम डैड को कन्विंस कर दिया था कि ये गेम के अंदर मैं आगे करियर बना सकता हूँ, आई नीड सम टाइम, और एक मॉम डैड जो कन्विंस हो चुके थे कि अब इस हमारे बच्चे को हम डिवाइस दिला देंगे, एंड जब उनके पास ये न्यूज़ आती है एंड देन लाइक तो उनका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है कि अब क्या है इसमें, लाइक कोई और गेम जाओगे उसमें ऑल ऑफ ए सडन गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल ला देगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे। तो ये एक मेंटेलिटी चेंज आ रहा है फिर से, क्योंकि अभी के लिए चेंज होना स्टार्ट हुआ था पेरेंट्स के अंदर, उनके अंदर थोड़ा दिमाग में आ रहा था कि चलो गेमिंग के अंदर इंडिया में स्कोप बन सकता है, फ्यूचर है। बट ये गवर्नमेंट के ये डिसीजन की वजह से आई डोंट थिंक कि अब पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना ईजी होने वाला है, because government has made a lot of things harder for those gamers who wanted to pursue their career in gaming, jinka passion reh chuka hai game khelna।
हम लोगों का तो चलो ठीक है, हमारे मेरे भी डैड मेरे को 2 दिन से पूछ रहे हैं कि बैन हो गया अभी क्या करेगा, रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं, ऑडियंस में से फैंस के फ़ोन आते हैं कि क्या होगा। सबको हम यही बोल देते हैं कि नहीं यार ये 7 दिन का है, 10 दिन का है, बिकॉज एक इमोशन बन चुका है गेम। वो गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इतनी क्रूल होगी कि वो अपने जो यूथ है उसके इमोशंस को मार के आगे बढ़ेंगी, या आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट इन अ राइट वे और नॉट, बट या सो मैं ये बोल देता था, डैड को भी ये बोल देता था कि हाँ आ जाएगा गेम 2 दिन। अब तो उनको भी पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है कि गेम के आने के आसार बहुत कम है। तो अब हम उनको बस इतना बोल सकते हैं कि हमारे पास है, हमने एक बैकअप प्लान बना रखा था जो हम जिसके ऊपर परस्यू करने वाले हैं, बट उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है जो अपने मॉम डैड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे गेम। विल दे बी एबल टू रिक्रिएट ऑल ऑफ दैट व्हाट पबजी वाज एबल टू डू? आई हाईली डाउट। प्लस हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट this new game to the rest of the battle royale ecosystem that is there in the rest of the world? Pure duniya mein jo battle royale ka ecosystem hai, chahe wo Fortnite ho chahe wo PUBG ho, right now these are the two biggest esports in the world right now for battle royales. How are you going to bring, per your question, Forge might be a, you know, a global player or might make it as a battle royale? To me it's not even a real question I can answer. It's so far out of my headspace though, man. Uska main kaise aap I don't want to really comment on 4G, right? Because I don't think that that we should really invest our time in talking about 4G, and that too, it is just a poster as of now, apparently, right? If it would have been a beta version coming up, or if it would, or there must be any trailer going around, then so we can really talk about, because then we can consider it as a reality, right? Mm-hmm. So I don't want to comment much on 4G right now, because for me it is just a random poster that dropped my Instagram feed. Level पे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर अपने ही region में game चल रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकती है, हो सकता है, but वो फिर you know उतना जब तक वही कि international scene तक जब तक नहीं बात जाती कोई game, जब तक इतना ज़्यादा accepted नहीं होती है बाहर भी और इधर भी, तब तक मुझे doubtful है कि इसको हम एज अ करियर परस्यू कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे करियर ही बना रहे थे पबजी मोबाइल में, और जो कि काफ़ी हद तक बन भी चुका था। तो वो लेवल तक अगर हम सोचें, मानता हूँ दूर की बात है, बट क्योंकि अब वो है ना, एक आपका बेंचमार्क सेट हो चुका है, तो आप उससे ऊपर ही जाना चाहोगे अभी भी आप सोचो तो मैं तो यही सोचता हूँ कि पहले तो यहाँ पे फेमस होनी चाहिए, यहाँ पे लोग उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, और फिर दूसरे रीजन्स में भी वैसा होना चाहिए। कि I'm very much looking forward for it, कि let's see कैसे एक इंडियन डेवलपर्स लोग यू नो कैसे कमाल दिखाते। अगर जैसे औरम भाई ने भी बोला कि जब तक ये इंटरनेशनल सीन में एक्सप्लोर नहीं होता ज़्यादा, तो मतलब थोड़ा जितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस लोग, तभी जाके इंटरनेशनल सीन में भी ये गेम बढ़ेगा। ऑब्वियसली यू नो बड़े बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर्स भी ये गेम को अगर यू नो सपोर्ट करेंगे, पब्लिक सपोर्ट करेगी, यू नो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगी, ऑब्वियसली पीएम सपोर्ट करने वाले, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सब उनके पीछे पीछे ये गेम को सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली एज ए मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू आई विल बी सपोर्टिंग देम दिस गेम। होपफुली आज के डेट में मैं एज ए मैनेजर बात कर रहा हूँ, अगर फौजी है तो शायद से प्लेयर एज ए प्लेयर बात करा रहूँगा फ्यूचर में आपसे। सो वेरी होपफुल, एक नई होप की किरण भी मेरे को देखी आपके इन बातों से, कि यू ट्राइंग टू प्ले दिस गेम सबके लिए एक नई उम्मीद है, नया सूरज है। पबजी के ढलते से ही एक नया जो सूरज उगेगा वो फौजी के रूप में इंडियन ऑडियंस। आई जस्ट वांट टू ऐड वन लास्ट थिंग हिमांशु जी, मैंने आज जब भी एनकोर गेम्स का वेबसाइट खोला और देखा राइट कि उनकी टीम कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, राइट बिलो दैट आई डोंट नो इफ एनीबॉडी नोटिस, उनके पास एक वी आर हायरिंग साइन है, वी आर लुकिंग फॉर क्रिएटिव एंड पैशनेट प्रोफेशनल्स टू जॉइन आवर टीम। इफ यू डिजाइन कोड, क्रिएट आर्ट फॉर गेम्स और आर अ प्रो गेमर, ड्रॉप अस अ लाइन। Anybody that is interested, anybody जो player हो चुका है PUBG ecosystem में या दूसरे games के ecosystem में, this is the first place you go to. You know why? Because आज के दिन में हर एक बंदा PUBG के बाद फौजी के बारे में बात कर रहा है। This is where you go. This is the place you first approach before even. I mean, no offense to any of us. I mean, me also honestly. This is where you go first, because that is who everybody today is talking about. उधर जाइए, उधर explore कीजिए, see what they have cracked. They have made the whole country rally behind them and talk about them. So, dekhiye, see what they are doing, and then I would say all of us would be qualified to give an answer with regards to this question. So,
तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जैसा राहुल ने मेंशन किया, गो टू देयर वेबसाइट, मैंने भी सुबह देखा था, देयर इज एन ऑप्शन, वी आर हायरिंग, और हर एक चीज में हायरिंग करे, दे आर हायरिंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स, डेवलपर्स, एवरी वन, सो सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है.